फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हमने फर्मा लिटिल थ्योरम को डिस्कस किया था। उस लेक्चर में हमने फर्मा लिटिल थ्योरम के डिफरेंट प्रूफ्स एंड एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो हमारी प्लेलिस्ट एलिगेंस ऑफ नंबर थ्योरी के नाम से, उसमें जाकर आप फर्मा लिटिल थ्योरम के टू डिफरेंट प्रूफ्स और एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग विल्सन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस टू डिफरेंट प्रूफ्स ऑफ विल्सन थ्योरम। एक प्रूफ तो जो कॉमनली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को उनकी अंडर ग्रेजुएट बुक्स हैं उनमें अवेलेबल रहता है, और जो दूसरा प्रूफ हम डिस्कस करेंगे वो पॉलिनोमियल बेस्ड है। वो जनरली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में डिस्कस नहीं करते हैं, बट दोनों ही प्रूफ जो हम यहाँ प्रेजेंट करने वाले, दे आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर विल्सन थ्योरम को जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम विल्सन थ्योरम का जो प्रूफ है उसको स्केच आउट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो प्रूफ है दैट विल फील वेरी सिंपल टू यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रूफ करते हैं विल्सन थ्योरम टू डिफरेंट प्रूफ्स। स्टूडेंट्स, प्रूफ करते हैं विल्सन थ्योरम को। तो सबसे पहले हम इसमें एक बेसिक रिजल्ट यूज करेंगे और उस रिजल्ट को हम प्रूव करके देखेंगे, दैट इज प्रीकर्सर फॉर द विल्सन थ्योरम। Let P be an odd prime। तो यहां हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको डिस्कस करेंगे। Let for example P is equal to 7, then S is the set of non-zero remainders modulo 7। तो देखिए, अगर किसी भी नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो नॉन जीरो रिमाइंडर आएंगे दे आर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, नाउ कंस्ट्रक्ट द कॉन्ग्रुएंस ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 for ए बिलोंगिंग टू एस। तो ये जो एलिमेंट एस के अंदर आए हैं इनसे हम कॉन्ग्रुएंसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे। ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। सो व्हाट वी हैव 1 into x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। ए को 1 लेंगे, सेकंड कॉन्ग्रुएंस 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, 4x is congruent to 1 mod 7, 5x is congruent to 1 mod 7, and the last one is 6x is congruent to 1 mod 7. So we have P minus 1 congruences. Now, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो S के element हैं, they are less than 7 and they have GCD with 7 is 1. Their GCD with 7 is 1. So, अगर हम A को ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो A का 7 के साथ GCD 1 रहेगा, because A are less than 7. Okay? And the GCD of A and 7 is 1 and 1 divides 1. So, these congruences has unique solution. Each congruence has unique solution. Right? तो देखिए, अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। 1 into 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 एंड 2 into 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 एंड 3 into 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 एंड 4 into 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, 5 into 3 is congruent to 1 mod 7 and 6 into 6 is congruent to 1 mod 7. तो हमने यहां पर क्या किया, ये जो congruences हैं इनका solution find out किया। Okay, तो ये हमारे पास देखिए 1 का solution, ये जो first congruence है वहां पर 1 solution आया है, second congruence में 4 solution आया है, third congruence में 5th solution आया है, फोर्थ कांग्रेस में 2 सॉल्यूशन आया, एंड 5 into 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 एंड 6 into 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod। तो ये जो 1, 4, 5, 2, 3, 6, दीज आर द सॉल्यूशन।
ओके okay, अगर आप एक ध्यान से बात नोट करें तो फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्ग्रुएंस, वन का सॉल्यूशन वन एंड सिक्स का सॉल्यूशन सिक्स, सिक्स के साथ सॉल्यूशन क्या है सिक्स, तो इट मींस यहां पर जो ए है और एक्स है दे आर सेम, ए एंड एक्स दे आर सेम, बट यहां पर अगर आप देखें टू इंटू फोर एंड फोर इंटू टू दे आर सेम, दीज आर सेम, एंड थ्री इंटू फाइव, फाइव इंटू थ्री दे आर सेम, इट मीन्स यहां से हमारे पास वन के लिए वन एंड सिक्स के लिए सिक्स, तो ये एक पेयर बनेगा, बट अगर आप देखें तो टू के लिए फोर एंड फोर के लिए टू दे आर सेम, ओके, एंड सिमिलरली थ्री के लिए फाइव एंड फाइव के लिए थ्री दे आर सेम, इट मीन्स दीज टू हैव वन, वन के लिए वन एंड सिक्स के लिए सिक्स, बट यहां पर टू के लिए फोर डिफरेंट सोल्यूशन आया, फोर के लिए टू डिफरेंट सोल्यूशन है, थ्री के लिए फाइव डिफरेंट है, फाइव के लिए थ्री डिफरेंट है, ओके तो ये हमारा यहां पर बेस रहेगा जब हम विल्सन थ्योरम को प्रूव करने जाएंगे। बस एक ध्यान रखिए आप कि देखिए हमारे पास टोटल कितनी कॉन्ग्रुएंस आई थी, पी माइनस वन, टोटल पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंस है, तो फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्ग्रुएंस में सेम सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वन के लिए सॉल्यूशन वन आया, सिक्स के लिए सॉल्यूशन, बट अगर आप इन कॉन्ग्रुएंसेस को देखें जो चार कॉन्ग्रुएंस बची हैं उनमें आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन है, टू के लिए फोर है, थ्री के लिए फाइव है, फोर के लिए टू, फाइव के लिए थ्री, बट अगर आप ध्यान से देखें दीज फर्स्ट टू इंटू फोर एंड फोर इंटू टू दे आर सेम, थ्री इंटू फाइव, फाइव इंटू थ्री दे आर सेम, इट मीन्स तो यहां से हमारे पास ये जो डिफरेंट सॉल्यूशन वाली कॉन्ग्रुएंस है ये दीज आर पी माइनस थ्री बाई टू, क्योंकि 2 एंड 4, 4 एंड 2 दे आर आइडेंटिकल, 3 एंड 5, 5 एंड 3 दे आर आइडेंटिकल, तो इनको हम एक ही ट्रीट करेंगे, तो कितनी बच गई हमारे पास 1 एंड 2, टू डिफरेंट कॉन्ग्रुएंस बच गई, 7 माइनस 3 बाय 2, 4, 7 माइनस 3, 4 बाय 2, तो टू डिफरेंट कॉन्ग्रुएंस बचेंगी, तो यही चीज हमने विल्सन थ्योरम के प्रूफ में करना है, ओके तो ये एग्जाम्पल आपको विल्सन थ्योरम को समझने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स मेन जो विल्सन थ्योरम है उसके लिए प्रूफ करते हैं, लेट P be a prime, then P minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod P. So this is the statement of Wilson theorem. तो चलिए प्रूफ करते हैं, if P is 2, तो सबसे पहले P 2 के लिए टेस्ट करते हैं, 2 minus 1 वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल इज वन एंड वन इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड टू, अगर हम पी को टू लेंगे तो टू माइनस वन फैक्टोरियल इज वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल इज वन एंड वन इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड टू, तो इट मीन्स विल्सन थ्योरम इज ट्रू फॉर पी इज इक्वल टू। रिजल्ट holds फॉर p इज इक्वल टू टू, इट मीन्स टू के लिए हमने विल्सन थ्योरम को जस्टिफाई कर दिया। अब मान लेते हैं इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड दिस इंप्लाइज p इज एन ओड प्राइम, p इज एन ओड प्राइम, ओके तो वैसे ही जैसा हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, अब हम क्या करेंगे, एक सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर्स हैं, वन टू थ्री अप टू पी माइनस वन, जब हम किसी भी नंबर को पी प्राइम से डिवाइड करते हैं तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर्स आएंगे उनको हमने कलेक्ट कर लिया, वन टू थ्री अप टू पी माइनस वन, ओके देन फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू एस द जीसीडी ऑफ ए एंड पी इज वन, GCD of A and P is 1, because जो भी नंबर है वो P से छोटे हैं, तो A और P का GCD क्या रहेगा 1, and this implies the congruence AX is congruent to 1 mod P has a unique solution, has a unique solution modulo P, तो इस तरह से जो हम congruence construct करेंगे AX is congruent to 1 mod P, तो ए और पी का जीसीडी वन है, देयरफॉर दिस कॉन्ग्रुएंस मस्ट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन,
और वो सॉल्यूशन भी कहाँ आएगा, इन एस, एस के अंदर ही आएगा। ओके और कितनी कॉन्ग्रुएंस आएंगी, दीज आर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंसेस, बिकॉज ए आपका वन से लेकर पी माइनस वन तक वाली। वी हैव पी माइनस वन सच कॉन्ग्रुएंसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहां से इन कॉन्ग्रुएंस के जो यूनिक सॉल्यूशन है उनको फाइंड आउट करेंगे। पहला केस देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन, देन जो कॉन्ग्रुएंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी। ए को आपने वन रखा, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी, एंड देयर फोर एंड दिस कॉन्ग्रुएंस हैज, एक्स को वन रखे, वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी, एक्स इज इक्वल टू वन इज अ यूनिक सॉल्यूशन। वन इसको सेटिस्फाई करता है, वन इसका सॉल्यूशन है। ओके सिमिलरली इफ ए इज इक्वल टू पी माइनस वन, आप समझ गए होंगे हम क्या करने वाले हैं। जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट और लास्ट कॉन्ग्रुएंस है उसमें सॉल्यूशन सेम आता है, वन के लिए वन सॉल्यूशन आया था और सिक्स के लिए सिक्स सॉल्यूशन आया था, तो वैसे ही यहां पर वन के लिए हमने वन सॉल्यूशन दिखाया, अब हम पी माइनस वन के लिए दिखाएंगे कि जो कॉन्ग्रुएंस कंस्ट्रक्ट होगी उसका सॉल्यूशन पी माइनस वन ही होगा। ओके इफ ए इज इक्वल टू पी माइनस वन देन व्हाट वी हैव दिस कॉन्ग्रुएंस पी माइनस वन एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी। ओके ओपन कर दें, पी एक्स माइनस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी, बट देखें दिस इज द मल्टीपल ऑफ पी और मॉडुलो पी के अंदर हम काम कर रहे हैं, मॉडुलो पी की बात कर रहे हैं, तो इसको हम एज ए जीरो ट्रीट करेंगे बिकॉज मल्टीपल ऑफ पी आर ट्रीटेड एज जीरो एंड दिस इंप्लाइज व्हाट वी हैव माइनस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी और यू कैन से दैट एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड पी, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड पी, बट मॉडुलो पी के अंदर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड p, पी माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड p। तो देखिए x माइनस वन के कॉन्ग्रुएंट है और माइनस वन किसके कॉन्ग्रुएंट है, p माइनस वन के, तो इन दोनों से मिलाकर हमारे पास क्या आ गया, p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू x इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन को किससे रिप्लेस कर दें, p माइनस वन से। तो देखिए अगर हमने x a को 1 लिया देन 1 इज द सॉल्यूशन, a को p माइनस वन लिया देन p माइनस वन इज द सॉल्यूशन। ओके तो हमने फर्स्ट और लास्ट कॉन्ग्रुएंस के लिए ये शो किया कि अगर आप फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं, a को 1 लेते हैं तब भी 1 सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन आएगा, a इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, एंड इफ a इज इक्वल टू p माइनस 1 द सॉल्यूशन इज x, x इज p माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहां से ये शो करेंगे कि और किसी के लिए भी, एस के अंदर देखिए क्या है, 1 से लेकर p-1 तक एलिमेंट है, बट हमने 1 के लिए शो किया, p-1 के लिए किया, अब हम ये शो करेंगे कि अगर बीच में जो भी एलिमेंट रह गए 2, 3, 4 एंड सो ऑन, उनके लिए ऐसा नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट मेंबर के लिए सेम सॉल्यूशन आ रहा है और किसी मेंबर के लिए सेम सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम ये मान लेंगे कि अगर किसी और मेंबर के लिए सेम सॉल्यूशन आता है तो वो या तो 1 होगा या फिर p-, ये हम प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं, अब हम ये प्रूव करेंगे कि अगर आप कोई और कॉन्ग्रुएंस कंसिडर करते हैं फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर, तो उनका जो सॉल्यूशन आएगा वो रिपीट नहीं, सेम नहीं आएगा, वन के लिए वन सॉल्यूशन आया, p माइनस वन के लिए p माइनस वन, बट किसी और के लिए ऐसा नहीं होगा। तो देखिए कैसे, लेट अगेन कंसिडर ax इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड p and A belongs to the set S, S is equal to 1, 2 up to P minus 1, and let B is a solution, B is a solution for this congruence,
तो बी हमने सॉल्यूशन मान लिया, देन अगर बी सॉल्यूशन है देन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी, तो बी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम प्रूव करेंगे कि बी अगर ए के इक्वल होता है तो क्या सिचुएशन होगी। इफ बी इज इक्वल टू ए, इट मीन्स आपने क्या माना कि कोई हमने कॉन्ग्रुएंस कंसिडर की, उसका सॉल्यूशन सेम आ जाता है ए के जैसा ही आ जाता है, जैसे वन के लिए वन आया था, पी माइनस वन के लिए पी माइनस वन, तो हमने मान लिया कि अगर बी फिर सेम आ रहा है तो बी क्या होगा। इफ बी इज इक्वल टू ए देन वट वी हैव, ए स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी एंड दिस इंप्लाइज पी डिवाइड ए स्क्वेयर माइनस वन। ओके, एंड दिस इंप्लाइज पी इज ए प्राइम नंबर, पी ए स्क्वेयर माइनस वन को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स ए माइनस वन ए प्लस वन को डिवाइड करेगा। एंड पी डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देन आइदर पी डिवाइड ए माइनस वन और पी डिवाइड ए प्लस वन। दिस इंप्लाइज आइदर पी डिवाइड ए माइनस वन और पी डिवाइड ए प्लस वन, तो इट मीन्स आइदर ए माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी और ए प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी एंड दिस इंप्लाइज आइदर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड पी। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी माइनस वन मोड पी। ओके, तो इट मीन्स अगर हम मानते कि किसी कॉन्ग्रुएंस से सेम सॉल्यूशन आ रहा है, बी इज इक्वल टू ए अगर है, तो या तो ए वन होगा या फिर ए पी माइनस वन होगा। एंड दिस इंप्लाइज ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी हैज सॉल्यूशन इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू वन एंड पी माइनस वन। कि अगर सॉल्यूशन ए के इक्वल आता है देन ओनली केस इज ए इज इक्वल टू वन एंड पी माइनस। इट मीन्स अगर वन टू थ्री अप टू पी माइनस वन, तो अगर ए वन नहीं है ए पी माइनस वन नहीं है, तो जो भी कॉन्ग्रुएंस बनेंगी उनका सॉल्यूशन ए के इक्वल नहीं आएगा, ये हमने कंक्लूड किया। ओके, कि अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया, इफ ए इज नॉट इक्वल टू वन और ए इज नॉट इक्वल टू पी माइनस वन, देन द कॉन्ग्रुएंस ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन बी अदर देन ए। इट मीन्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू वन एंड ए इज नॉट इक्वल टू पी माइनस वन, तो ये जो कॉन्ग्रुएंस बनेगी इसका सॉल्यूशन ए के इक्वल नहीं आएगा। ओके, नाउ ये जो बी सॉल्यूशन आया है, बी बिलोंग्स टू द सेट 2, 3 अप टू पी माइनस टू, सॉल्यूशन यहां से आएगा बिकॉज 1 नहीं होगा, पी माइनस 1 नहीं होगा। ओके, बट दीज नंबर्स आर एक्चुअली पी माइनस 3 इन काउंटिंग में कितने नंबर हैं, ये पी माइनस 3 है। बट आपने एग्जाम्पल से देखा था कि अगर आपने मॉडुलो 7 का एग्जाम्पल लिया है तो 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7, 2 इंटू 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7, 3 इंटू 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7 एंड 4 इंटू 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7 एंड 5 इंटू 3 is congruent to 1 mod 7 and the last one is 6 into 6 is congruent to 1 mod 7। तो अभी हम इस congruence को छोड़कर इन congruences की बात कर रहे हैं, 2 into 4, 4 into 2, these are same, 3 into 5, 5 into 3, these are same, but actually कितनी है ये, देखिए p minus 1 थे total हमारे पास, ठीक है, तो p minus 3 रह गई है, these are p minus 3, बट 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, दे आर सेम, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, दे आर सेम, तो हाफ कंसिडर करेंगे p माइनस 3 बाय 2। सो वट वी हैव,
पी माइनस थ्री बाय टू डिस्टिंक्ट कॉन्ग्रुएंसिस। तो यहां से हम हाफ कंसिडर करेंगे और अब हम क्या करते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे देखिए यहां पर अगर हम 2 इंटू फोर और 3 इंटू फाइव इनको छोड़ दें बिकॉज दे आर सेम, तो 2 इंटू फोर 3 इंटू फाइव इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 mod 7। ओके, और देखिए अब यहां से क्या करना आपने, 2 इंटू फोर इंटू 3 इंटू फाइव और साथ में इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, देन दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 7। तो देखिए ये क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 दैट इज 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7 बिकॉज 6 किसके कॉन्ग्रुएंट है, -1 के। तो दिस इज द विल्सन थ्योरम। तो देखिए यहीं से आइडिया लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो p माइनस थ्री बाई टू कॉन्ग्रुएंसिस आई हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कहां तक जाएंगे हम, p माइनस टू तक। देखिए यहां पर भी ऐसे हुआ था 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये हमारे पास आया था 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 5 क्या है, p माइनस टू। ओके, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू p माइनस टू दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय p माइनस 1, 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू p माइनस 2 इंटू p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 मोड p। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, दिस इज p माइनस 1 फैक्टोरियल, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 मोड p। बट आप जानते हैं p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p। सो दिस इज द विल्सन थ्योरम, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड p। सो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ ऑफ द विल्सन थ्योरम। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड प्रूफ ऑफ द विल्सन थ्योरम। सेकेंड प्रूफ देखते हैं विल्सन थ्योरम के लिए, सेकेंड प्रूफ ऑफ विल्सन्स थ्योरम। सेकेंड प्रूफ इज रादर इजियर देन द फर्स्ट प्रूफ। तो स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही करना जैसे हमने फर्स्ट प्रूफ में किया था, इफ पी इज इक्वल टू 2 देन पी माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस 1 फैक्टोरियल इज जस्ट 2 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड 2। सो p इज इक्वल टू 2 के लिए ऑब्वियस है। नाउ सपोज p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इट मींस p इज एन ओड प्राइम। फिर हमने यहां से वही सेट सेलेक्ट करना है, लेट s इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू p माइनस 1 एंड व्हाट इज s, s इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर्स मॉडुलो p। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल लेट gx। हमने क्या करना है, एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है, gx इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 अप टू x माइनस p माइनस 1। ओके, ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3 अप टू p माइनस 1, इनसे हमने एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किया। देन यू कैन से टू थिंग्स अबाउट gx। फर्स्ट gx हैज रूट्स 1, 2, 3 अप टू p माइनस 1। तो देखिए हमने कंस्ट्रक्ट ही इस तरीके से किया है, अगर आप 1, 2, 3 p माइनस 1 पुट करेंगे तो ये 1, 2, 3 p माइनस 1 क्या है, जी एक्स के रूट हैं, पुट करके देखिए 0 आएगा। सेकंड टर्म द कॉन्स्टेंट, द कॉन्स्टेंट टर्म इन जी एक्स, अगर आप ध्यान से देखें जी एक्स का कॉन्स्टेंट टर्म कैसे आएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अप टू माइनस p माइनस 1, इन सभी को प्रोडक्ट करने से कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगा, माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस 1 एंड 1 2 3 अप टू p माइनस 1 दैट इज p माइनस 1 फैक्टोरियल। बट आप जानते हैं p ओड प्राइम है, तो माइनस 1 का p माइनस 1 पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1 की इवन पावर हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, p माइनस 1 फैक्टोरियल। सो
इफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन जी एक्स का जो कॉन्स्टेंट टर्म आएगा दैट इज पी माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके नाउ अगेन इफ ए बिलोंग्स टू एस देन ए और पी का जीसीडी क्या रहेगा 1, बिकॉज प्राइम नंबर के लिए ये बात ट्रू है कि जो भी नंबर पी से छोटे रहेंगे उनका पी के साथ जीसीडी क्या आएगा 1. सो इन नंबर्स के लिए हम फरमास थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो इट मीन्स ए रेज टू पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी. दैट इज अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे दैट इज 1 रेज टू पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी. 2 रेज टू पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी एंड लाइकवाइज पी माइनस 1 रेज टू पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी. तो यहां से अगर हम देखें कंक्लूड करेंगे तो इट मीन्स 1 2 अप टू पी माइनस 1 दे आर रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल. देखिए ध्यान से एक्स रेज टू पावर पी माइनस 1 माइनस 1. अगर हम ये पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक्स को 1 रखिए 1 रेज टू पावर पी माइनस 1 माइनस 1 इज 0 मोड पी. एक्स को 2 रखिए 2 रेज टू पावर पी माइनस 1 माइनस 1 मोड इज इक्वल टू माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड. ठीक है तो इट मीन्स 1 2 अप टू पी माइनस 1 दे आर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके तो नाम दीजिए इसको. सपोज दिस इज एच एक्स एच एक्स देन 1 2 3 अप टू पी माइनस 1 आर रूट्स ऑफ एच एक्स. ओके तो यहां से हमने दो बातें कंक्लूड की कि फर्स्ट हमने जी एक्स पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किया उसके रूट्स को स्टडी किया, फिर हमने एच एक्स पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट किया फरमास थ्योरम से इसके रूट्स को स्टडी किया. तो दोनों ही सिचुएशन में 1 2 3 पी माइनस 1 जी एक्स के भी रूट हैं और एच एक्स के भी रूट हैं. ओके अब हम यहां से क्या करेंगे, इन दोनों पॉलिनोमियल से एक नया पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करेंगे. नाउ डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स. सो व्हाट इज जी एक्स? जी एक्स इज एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अप टू एक्स माइनस पी माइनस 1 एंड व्हाट इज एच एक्स? एक्स रेज टू पावर पी माइनस 1 माइनस 1. ओके स्टूडेंट्स तो अब यहां से आप नोट कीजिए कि देखिए यहां से एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स तो हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी एच एक्स की, सॉरी जी एक्स की. यहां से हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी? पी माइनस 1, बिकॉज पी माइनस 1 टर्म है. तो यहां से एक्स की हाईएस्ट पावर आएगी पी माइनस 1 और यहां से भी देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है पी माइनस 1. तो जब आप इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये एक्स की पावर पी माइनस 1 वेनिश आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो इट मीन्स दिस इंप्लाइज डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी माइनस 2, बिकॉज डिग्री ऑफ जी एक्स इज पी माइनस 1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एच एक्स. तो दोनों ही पॉलिनोमियल की डिग्री पी माइनस 1 है और हम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए जो एफ एक्स होगा उसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू पी माइनस 2. ओके बट 1 पुट करेंगे, एक्स को 1 पुट कीजिए, दिस इज 0 दिस इज ऑल्सो 0. बट 1 2 पुट कीजिए, जी एक्स इज 0 एच एक्स इज 0. 2 3 सिमिलरली पी माइनस 1 ये सभी जो है जी एक्स के भी रूट हैं एच एक्स के भी रूट हैं इसीलिए एफ एक्स के भी रूट हैं आर रूट्स ऑफ एफ एक्स के भी रूट हैं. ओके बट डिग्री तो एफ एक्स का क्या है पी माइनस 1 से छोटा है. एफ एक्स का डिग्री क्या है पी माइनस 1 से छोटा है और आप कह रहे हो कि पी माइनस 1 रूट है विच इज नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज डिग्री
लेस देन इक्वल टू पी माइनस टू है, तो पी माइनस टू से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, और आप यहां कह रहे हो पी माइनस वन रूट है, विच इज नॉट पॉसिबल अनलेस अनलेस जो एफ एक्स है दैट इज आइडेंटिटिकली इक्वल टू जीरो। अगर एफ एक्स जीरो पॉलिनोमियल होगा तभी ये सिचुएशन होल्ड कर सकती, तभी ओनली ये सिचुएशन ट्रू रहेगी। ओके तो इट मीन्स अगर p माइनस वन तक रूट बन रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर एफ एक्स आइडेंटिकली इक्वल टू क्या हो जीरो। एफ एक्स का जीरो होने का मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल आएगा इसकी हर टर्म जीरो हो जाएगी, तो इट मीन्स इसकी कॉन्स्टेंट टर्म भी क्या हो जाएगी जीरो। सो कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ एफ एक्स मस्ट बी जीरो मस्ट बी जीरो। अब देखिए कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म इज देखिए कॉन्स्टेंट टर्म कहाँ क्या आएगा, यहां से माइनस वन माइनस टू माइनस पी माइनस वन, जैसा पहले हमने डिस्कस किया था पी माइनस वन फैक्टोरियल और प्लस वन। सो कॉन्स्टेंट टर्म इज पी माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बट ये सारा वर्किंग हम कहां कर रहे हैं, मोडुलो पी के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, तो मोडुलो पी दिस इंप्लाइज पी माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड पी। सो दिस इज द सेकेंड प्रूफ ऑफ विल्सन थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, वी विल डिस्कस हेयर दैट इफ p minus 1 factorial is congruent to minus 1 modulo p, then definitely p must be a prime. अभी हमने क्या प्रूव किया, if p is a prime, then p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p. अब हम रिवर्स एज्यूम करेंगे कि if p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p, then definitely p will be a prime. कन्वर्स को डिस्कस करते हैं, कन्वर्स ऑफ विल्सन्स थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू। तो कन्वर्स का स्टेटमेंट देखिए, दैट इज इफ एम माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड एम, then m must be a prime. It means अगर किसी इंटीजर के लिए m माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन के कॉन्ग्रुएंट है then m must be prime. प्रूफ देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, एज्यूम तो जो गिवन है पहले उसको एज्यूम कीजिए, लेट m be any positive integer such that m minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod m. Okay, this implies m will divide m minus 1 factorial plus 1. Okay, this is the definition of congruence. If a is congruent to b modulo m, then m will divide their difference. Okay, so m divide karega m minus 1 factorial plus 1. अभी हमने क्या प्रूव करना है, क्लेम हमारा क्या है, क्लेम m इज प्राइम, m इज प्राइम। सपोज हम मान लेते हैं m इज कंपोजिट, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं m इज कंपोजिट, देन m को आप लिख सकते हो m इज इक्वल टू m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वन लेस देन m1 less than m, one less than m2 less than m. It means अगर आप m को composite मान रहे हो तो it means m has divisor other than one and m. Okay, now this implies m1 is a divisor of m, m1 divide m, and हमें क्या given है, m divide m minus 1 factorial plus 1. M1 M को डिवाइड करता है, M इसको डिवाइड करता है, तो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, दिस इंप्लाइज M1 डिवाइड M माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन।
बट देखिए एम वन इज लेस देन एम, एम वन इज लेस देन एम, एम वन एम से छोटा है और एम का डिवाइजर है, तो एम वन एम माइनस वन फैक्टोरियल में अपीयर होगा। एम वन इज ए डिवाइजर ऑफ एम फैक्टोरियल, बिकॉज एम फैक्टोरियल में क्या आएंगे, वन टू थ्री अप टू एम, इन सभी का प्रोडक्ट आएगा, और एम वन एम का डिवाइजर है, एम से छोटा है, तो ये एम वन एम फैक्टोरियल में अपीयर होगा, एम फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। बट एम वन डिवाइड एम माइनस वन फैक्टोरियल, एम माइनस वन फैक्टोरियल में भी अपीयर होगा, ओके, बिकॉज एम से छोटा तो लेस देन इक्वल टू एम माइनस वन रहेगा, तो एम वन विल डिवाइड एम वन एम माइनस वन फैक्टोरियल। तो देखिए एम वन इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, तो इनके डिफरेंस को भी करेगा। दिस इंप्लाइज एम वन डिवाइड, इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या आएगा, वन। दिस इंप्लाइज एम वन डिवाइड वन, बट देखिए एम वन क्या है, वन से ग्रेटर है, और यहां कह रहे हैं आप वन को डिवाइड करता है, ए कॉन्ट्राडिक्शन, ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब आपने माना कि एम कंपोजिट है, एम प्राइम नहीं है, तो इट मीन्स एम मस्ट बी ए प्राइम। सो दिस कंप्लीट्स द कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर इसी तरह की और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।